Hey, what's up lovely people, this is Vishal Beriwal and you are watching my YouTube channel SLG Biker Vishal. So guys, कल रात को सोते सोते ऑलमोस्ट मुझे 2:30 हो गए थे और सुबह की आज राइड थी 8:30 की, पर मैं अभी निकल रहा हूँ 9 बजे, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ क्योंकि माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए उसको ठीक किया मैंने. आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे, जो कि था 21 जून को, पर आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि सबको टाइम मिलता है संडे को, तो सबने डिसाइड किया कि संडे को सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ राइड करते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं अपने ही अंदाज में. तो मैंने कल स्टोरी डाल दी थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो जो लोग इस टाइप की राइड्स वगैरह करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि है SLG बाइकर विशाल, स्क्रीन पे आ रहा होगा और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मेरे कोई भी नए वीडियोज डालूँ तो उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. तो ये है सिटी सेंटर जहाँ आज बहुत लोग आएंगे, संडे के दिन स्पेशली बहुत लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, डेटिंग मारने के लिए. तो यानी मैं सबसे पहले फटाफट पहुँचता हूँ वहाँ पे एंड कैच यू देयर. पता नहीं अभी निकल गए होंगे ना, है वहीं पे. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ. जो मैंने सोचा था वही हुआ, तो सब लोग निकल चुके हैं, कोई नहीं, फटाफट उन्हें कैच करते हैं जल्दी से. फ्यूल डलवा लेता हूँ पहले क्योंकि फ्यूल कम है. तो रात को मैंने फ्यूल डलवाया नहीं, ऐसे ही लेट था और ऊपर से लेट हो गया हूँ. दूधिया बस बढ़िया. व्लॉग नहीं कर पाया. व्लॉग का क्या है? थैंक यू एसएलजी. क्या है यार इतना लेट एंट्री मार दिया? कहाँ से आया तुम? मैं यहीं से. सही है तबीयत? हाँ बस बढ़िया है. सुबह तो बारिश ही बारिश हो रहा है. बारिश की वजह से किसी दिन तो नहीं आया. हाँ फाइनली मैंने इन लोगों को यहाँ पे कैच किया और मैं अपने टाइम से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेट हूँ, तो कोई नहीं. एक्चुअली मेरा प्लान ही नहीं था आने का क्योंकि सुबह तबीयत सही नहीं थी उतनी, वेदर भी क्लियर नहीं था उतना, तो वेदर क्लियर होता तो सोचा चलो अब निकलते हैं. तो इसके बहुत सारे राइडर्स आए, ऑलमोस्ट नहीं भी तो 51 to 52 राइडर्स है. और ये वाला जो रूट है मैंने
कभी यूज़ नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं बेसिकली तो हम लोग आते हैं वो वाले रूट से जो मधुबन होकर के सुकमा होकर के वो वाला रूट यूज़ करते हैं, बट ये वाला रास्ता आपको यूज़ करना होगा नक्सलवाड़ी से होते हुए। Overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you. और अब वेदर देखो सुबह कैसा था और अब देखो कितना क्लियर वेदर। तो इसलिए मैंने रेन गियर्स भी लाए थे क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह होंगे और उसके बाद फिर आप अपने अपने सेपरेट निकल सकते हो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में और अपना डेस्टिनेशन था मामू फास्ट फूड कॉर्नर अपर दूधिया दम फतेह। अगर मैं सही से पढ़ रहा हूँ तो दम फतेह। तो ऑलमोस्ट 54 राइडर्स आए हैं फिर भी ये हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है इसको। एक सेकेंड तो कब साइड नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट 54 राइडर्स आए, बहुत सारी बाइक्स आई है, R15 RC NS 200 एवेंजर होंडा कावासाकी मैनी मोर बाइक्स, इस साइड बहुत सारी बाइक्स है। तो कुछ राइडर्स अभी भी आ रहे हैं और भी कुछ बाकी आने को। तो उस साइड अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगी अपनी वीडियो पे, तो इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूँ। और यहाँ का वेदर जस्ट अमेजिंग। और यहाँ देखो ये घर वगैरह देखो थोड़े अलग टाइप से बने हुए हैं, जैसे हम लोग ब्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं बट ये पत्थर से बने हुए हैं। कुछ घर ऐसे हैं वो देखो, वो वाले भी पहले बहुत पुराने घर से बने हुए हैं हट, और अच्छी खासी जगह। तो चलो अंदर चलते हैं और उसके बाद कुछ खाते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो बहुत मेहनत के बाद ये मोमो मिला है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स वेट करने के बाद, है ना भाभी? हाँ, 20 मिनट से भी ज़्यादा। और यहाँ उधार मोमो चल रहा है, मोमो चल रहा है यहाँ क्योंकि मैंने खा लिया और इसने ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया था। और खाने को कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, लाइक मोमो पूड़ी वगैरह और वाई वाई है। वाई वाई नहीं मिल रहा है ना, वाई वाई नहीं मिल रहा है, टाइम लगेगा उसमें। मोमो हमने कितना 40 रुपीज़, हाँ 40 रुपीज़ लिया है। तो खाते हैं। तो हमने हमारा ब्रेकफास्ट बोलो लंच बोलो हो गया है, मोमो था जो कि एकदम अच्छा नहीं था, 40 रुपीज़ लिया। पूड़ी वगैरह भी आप खा सकते हो, वाई वाई मिलती है यहाँ। तो ओवरऑल अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑयली था और चटनी में भी सॉल्ट नहीं था। कोई नहीं, ये वाला घर देखो, ये वाला घर ये देखो, नहीं नहीं ब्रिक्स से नहीं बना है, ये चीज़ ध्यान दिया, ये ब्रिक्स से नहीं बना, पत्थर से जॉइंट वगैरह करके बनाया है इसको। और मुझे नहीं लगता ये अभी फ़िलहाल का होगा। और ये वाला घर भी देखना, ये वाला, और पसीना हालत ख़राब है यार, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। ये नहीं भी तो कम से कम 50 साल पुराना घर होगा, 50-60 साल ज़्यादा ही।
है ना। अरे कलाकारी है पहले के, ये सब अभी का अभी में होगा ही कहां। हाँ अभी उतना मेहनत करने वाले लोग नहीं है ना। हाँ सबसे पहली बात तो इतना, अब उस समय नहीं था, अभी तो सब कुछ है तो बंदे या कोई भी है वो तो है। और यहाँ से व्यू देखो अमेजिंग। हेलो गाइस, और आज ये राइड हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे के लिए। सो मैं अभी अपकमिंग राइडर्स जितना भी है उनको बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, ऑलवेज वेयर सेफ्टी गियर्स व्हाइल राइडिंग एंड रैश राइडिंग करना नहीं दोस्तों। एंड शूज़ वगैरह पहनने से हो गया, राइडिंग जैकेट ये सब एनी टाइम पहनने का ज़रूरत नहीं है अगर आप सिटी के अंदर राइड कर रहे हो तो। अगर आप वहाँ से ज़्यादा दूर जाना चाहते हो सो ऑलवेज वेयर योर राइडिंग जैकेट्स पैंट्स ग्लव्स और कुछ, क्योंकि जब गिरोगे जब छाले उठेंगे दोस्त याद करो ये मेरा बात, तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा और जब हड्डी टूट जाएगा उसमें और ज़्यादा पेन होगा। उससे अच्छा ट्रीटमेंट मत कराओ, आराम से अपना को सेफ्टी करके आप लोग चलो। और इंस्टाग्राम हैंडल आईडी है वो बता दीजिए, मैं स्क्रीन पे आएगा अभी तो आप लोग फॉलो करेंगे। और जिन्हों को भी राइड वगैरह जो करेंगे तो इनको फॉलो करो, कोई भी राइड्स वगैरह की अपडेट इनके इंस्टाग्राम आईडी हैंडल आईडी पे मिल जाएगी ना। हैंडल आईडी है वो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ इनको फॉलो करो। और बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स भी है इन्होंने जो अपने आईडी पे पोस्ट की है, तो जाओ लाइक करो फॉलो करो। तो ये जितने भाई है, भाई लोग आज की राइड कैसी रही? तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, न्यूली राइडर्स थे बहुत सारे, नए नए राइडर्स थे, बहुत कुछ सीखने मिलता है हम लोग को। ये राइड हम लोग जब करते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है, तो बस सोलो राइडर अच्छा है बट यहाँ पे जब आओगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, गेट टुगेदर हो गए, नए राइडर्स से देखने मिलोगे, सीनियर राइडर लोगों के साथ कुछ सीखने मिलेगा। तो बस यही था मेरा मैसेज, तो जिन लोगों का वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हैं वो है सब्सक्राइब करें। तो चलो फिर बाय बाय गाइस, थैंक यू।